अक्सर लोग वर्ड एल्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एल्स एक एडजेक्टिव है, एक कंजक्शन है और एक एडवर्ब है, और इन सभी सूरत में इनका अलग अलग मीनिंग होता है। तो अक्सर लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस कंडीशन में वर्ड एल्स का क्या इस्तेमाल है। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। जब वर्ड एल्स का यूज हम एक एग्जेक्टिव के जैसे करते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ और या और, जैसे मुझे कुछ और नहीं कहना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव नथिंग एल्स टू से, यानी मुझे कुछ और नहीं कहना है। मुझे कुछ और नहीं खाना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव नथिंग एल्स टू ईट। मुझे कुछ और नहीं करना है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मुझे कुछ और नहीं देखना है, आई हैव नथिंग एल्स टू सी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जब वर्ड एल्स का यूज हम एक एग्जेक्टिव के जैसे करते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ और या और। जब वर्ड एल्स का यूज हम एक एडवर्ब के जैसे करते हैं तो इसका मतलब होता है अन्य या दूसरी, जैसे मुझे कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है या मुझे कहीं अन्य जगह नहीं जाना है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैवन्ट टू गो एनीवेयर एल्स, यानी मुझे किसी दूसरी जगह नहीं जाना है या कोई अन्य जगह नहीं जाना है। अगर आपको कहना हो कि मैं कहीं अन्य जगह नहीं रह सकता हूँ या मैं कहीं दूसरी जगह नहीं रह सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट लिव एनीवेयर एल्स, यानी मैं कहीं अन्य जगह नहीं रह सकता हूँ या कहीं दूसरी जगह नहीं रह सकता हूँ। वह कहीं और नहीं ठहर सकता है या वह कहीं दूसरी जगह नहीं ठहर सकता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही कांट स्टे एनीवेयर एल्स, यानी वो कहीं और नहीं ठहर सकता है। तो फ्रेंड्स आपने सीखा कि जब वर्ड एल्स का यूज हम एक एडवर्ब के जैसे करते हैं तो इसका मतलब होता है अन्य या दूसरी। जब वर्ड एल्स का यूज आप कंजंक्शन के जैसे करते हैं तो उसका मतलब होता है नहीं तो, जैसे इसे करो नहीं तो मैं तुमको पीटूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डू दिस एल्स आई विल बीट यू। अपना खाना खत्म करो नहीं तो मैं तुमको डांटूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फिनिश योर लंच एल्स आई विल स्कॉल्ड यू। अपना काम पूरा करो नहीं तो मैं तुमको क्लास से बाहर कर दूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कंप्लीट योर वर्क एल्स आई विल गेट यू आउट ऑफ क्लास, यानी अपना काम पूरा करो नहीं तो मैं तुमको क्लास से बाहर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वर्ड एल्स का यूज शानदार तरीके से समझ में आया कि वर्ड एल्स एक कंजंक्शन है, एक एग्जेक्टिव है और एक एडवर्ब है। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप सोचे कि एडवर्ब क्या है, एग्जेक्टिव क्या है या कंजंक्शन क्या है। तो मैं आपसे कहूंगा अगर आप इन बातों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो आप मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, जहां आप सीखेंगे कंप्लीट ग्रामर, साथ ही साथ स्पोकन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, और मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन बहुत पसंद आया। अगर वाकई आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।